बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आज आपको कढ़ी पकौड़े की रेसिपी बताऊंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है और इसको काट के तो मैंने देखची में डाला है। अब मैं ऑयल डालूंगी और ऑयल की मिकदार जो है वो मैं थोड़ी सी ज़्यादा लूँगी, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि बाकी ऑयल का क्या करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मैंने प्याज डाला है और अब इसमें ऑयल डालूंगी। आधा किलो दही की मैं ये कढ़ी बनाऊंगी। आधा किलो दही में मैंने पानी मिक्स करके रख दिया है, तो अभी उसमें मैं बेसन शामिल करूंगी। ढाई चम्मच मैं बेसन के ले रही हूँ, 2.5 से 3 चम्मच, और फिर इसको दही में शामिल करूँगी। तीन चम्मच भर के मैंने बेसन की ली, अब इसको मिक्स करके तो दही में शामिल करूँगी। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैं शामिल करूंगी 2 से 3 चम्मच। तीन सब्ज मिर्चें इस्तेमाल की हैं मैंने, अब इनको रेड होने तक, प्याज के रेड होने तक इनको पकाना है, फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले मैंने लिए हैं, लाल मिर्च ली है, नमक मैं बहुत कम डालती हूँ, आप अपने जायके के मुताबिक डालिएगा, धनिया पाउडर, करी पाउडर, लाल मिर्च कूटी हुई और ये हल्दी। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। और एक अदरक टमाटर, मटर डाल के अच्छी तरह से इसको भून लें। अच्छी तरह से भून के तो फिर हम इसमें लस्सी शामिल करेंगे, जो कि मैंने दही से बनाई है। अब ये मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, तो अब जो इसमें ऑयल ऊपर आया हुआ है, इसको हम सब इस ऑयल को निकाल लेंगे, फिर इसमें हम लोग लस्सी शामिल करेंगे। अभी मैंने ऑयल अलग कर लिए, तो इसको हम बाद में देखें, बताऊंगी मैं आपको कि क्या करना है इसका। अभी मसाला हमारा तैयार है, तो अब हम इसमें लस्सी जिसमें मैंने बेसन में ला के रखा था, तो वो इसमें शामिल करते हैं। ये मैंने इसमें शामिल किया है, तो अब हम इसको बॉयल आने तक इसको फुल आंच पे पकाएंगे
और इसको मुसलसल आपने हलाते रहना है, नहीं तो इससे फिर कढ़ी खराब हो जाएगी। जब तक बॉयल नहीं आता तो आपने इसको मुसलसल हलाते रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अब इसमें उबाल आना शुरू हो गए हैं। ये अब इसको मैंने मीडियम लो फ्लेम पे फ्लेम पे पकाना है बिल्कुल। जब ये आहिस्ता आहिस्ता पकेगी, इसीलिए इसका नाम कढ़ी है कि कड़ कड़ के ये पकेगी। तो इस स्टेज पे मैं इसका जो ऑयल मैंने निकाला था वो इसमें शामिल करूंगी और फिर ये इसमें मुझे एक्स्ट्रा से इसको तड़का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको मीडियम लो फ्लेम पे इसको मैंने पकाना है। ये बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे ये पक रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कड़ी पक पक के तैयार हो रही है तो इसके साथ हम पकौड़ों का मसाला तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 3 अदद प्याज और 3 अदद आलू लिए हैं, तो फिर इनको बारीक काट के तो मसाला तैयार करते हैं। ये इस तरह से मैंने बारीक प्याज जो है वो काट लिए हैं इस तरह से, तो अब आलू काटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आलू इस तरह से बारीक बारीक मैंने काट लिए हैं, तो अब मैं इसको इसमें मसाला शामिल करती हूँ। इसमें मैंने सब्ज़ धनिया डाला है और इसमें अब मैं ये एक भर के लाल मिर्च कुटी हुई ये डाल रही हूँ और ये दूसरी लाल मिर्च पीसी हुई और नमक मैं कम डालती हूँ, आप अपने जायके के मुताबिक डालिएगा। और ये धनिया पाउडर और एक चुटकी अजवाइन की डालनी है। ये एक चुटकी अजवाइन की डाल के तो फिर इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रखना है। इसके बाद फिर हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। या अब इसमें बेसन डालना है, बेसन डाल के तो फिर इसको हम पानी से मिक्स कर लेंगे। या अब इसमें पानी डाल के हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हमारी कढ़ी जो है वो कड़ कड़ के बिल्कुल जो है वो अब तैयार होने वाली है, तो इसको थोड़ी देर के बाद जो है इसका मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कड़ी बिल्कुल माशाल्लाह से तैयार हो गई है, तो अब हम इसका फ्लेम बंद करते हैं और पकौड़े निकालते हैं। ये है पकौड़ों का मलीदा, इस तरह से मैंने तैयार कर लिए। ये पकौड़े मैंने अब इसमें डाले हैं, तो इस तरह से सारे पकौड़े निकाल लेने हैं, लेकिन इनको अलग प्लेट में निकालना है, डायरेक्ट आपने इनको कड़ी में नहीं डालना, क्योंकि मैंने अभी इसका फ्लेम बंद किया है और कड़ी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इससे पकौड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। तो इनको हम निकाल के तो फिर एक साथ तब तक थोड़ी कड़ी भी ठीक हो जाएगी, तो उसके बाद हम इसमें कड़ी में पकौड़े शामिल करेंगे। ये सारे पकौड़े बना के तो निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़ेदार से पकौड़े निकल रहे हैं, तो इस तरह से आपने सारे पकौड़े फ्राई कर लेने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से ये पकौड़े तैयार हो गए हैं और अब हम इसको कढ़ी में शामिल करेंगे।
ये माशाल्लाह से हमारी कढ़ी बिल्कुल तैयार है। आप भी घर में से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनी है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बताइएगा ज़रूर कि कैसे बनी है, वैसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।